मैं हफ्ते में 3 दिन मोरिंगा के पत्तों की सब्जी खाता हूँ। यही वजह कि आज तक मुझे यूरिन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं है और ना ही मुझे प्रोस्टेट की समस्या है। जी हाँ, मोरिंगा के पत्तों की सब्जी यानी सहजन के पत्तों की सब्जी, जिसको देसी भाषा में हम यहाँ पर बोलते हैं सहजन के पत्ते, सिंपल सी बात। पुराने हम गांव के लोग हैं, ये सब चीजें खाते हैं। आज आप लोग क्या करते हैं, मनी प्लांट लगाते हैं घर पे, उससे कोई फायदा है आप लोगों को? आपको क्या लगता है कि मनी प्लांट का पौधा लगाने से आपको कोई फायदा होता है? क्या आपके पास मनी आती है, पैसे आते हैं, ऐसा होता है कभी? हम लोग गलती ये कर चुके हैं कि आज हम औषधीय पौधों को घर पर नहीं लगाते हैं। तुलसी आप घर में नहीं लगाएंगे, एलोवेरा घर में नहीं लगाएंगे, सहजन का पेड़ घर पर नहीं लगाएंगे, नीम घर पर नहीं लगाएंगे। क्यों? कहते हैं शो नहीं होती, डेकोरेशन अच्छी नहीं लगती। डेकोरेशन अच्छी नहीं लगती तो बीमारियों को दोस्ती करना शुरू कर दो, बीमारियों से दोस्ती करना आज से शुरू कर दो। तब मत बोला करो कि हमें ये है, हमें प्रोस्टेट है, हमें पेशाब की समस्या, तो वो होगी ही होगी। जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना आप बीमारियों से बचे रहेंगे। समझे बात को कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? सहजन के पत्तों में लगभग सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। पेशाब से जुड़ी समस्या होने का सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो होता है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन थायमिन। जब भी आपके शरीर में विटामिन थायमिन की कमी होगी तो आपको पेशाब जुड़ी समस्या होने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। अगर आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक पेशेंट है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको डायबिटीज बॉर्डर पे है, या आपको डायबिटीज है, या आपको चाहते हैं डायबिटीज ना हो, या आपके परिवार में कोई ऐसी हिस्ट्री है कि किसी को डायबिटीज है, माता पिता किसी को, तो आज से ही मोरिंगा के पत्तों की सब्जी खाना शुरू कर दीजिए। मोरिंगा के पत्तों के परांठे बनाइए, खाओ। मोरिंगा का इस्तेमाल किसी भी तरह करो, लेकिन करो मेरे भाई। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, माताएं बहने भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, मोरिंगा का यूज करना शुरू कर दो। कोई कहता है मोरिंगा का पाउडर खाओ, भैया पाउडर वाउडर से कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सिंपल, आप लोग मोरिंगा का पेड़ लगाओ, उसके पत्तों की सब्जी खानी है। सिंपल मैंने बता दिया, जो मैं यूज करता हूँ। पाउडर वाउडर मैंने कभी नहीं खाया, ना मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने नहीं खाया तो मैं आपको कैसे बोल दूं कि पाउडर खाओ, सिंपल सी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोरिंगा का पाउडर बना के रख लेते हैं, उसको खाते रहते। भैया जो फायदा आपको ताजे पत्तों की सब्जी बना के मिलेगा, वह उस पाउडर को बना के रखने में बस ही जाएगा, उतना फायदा थोड़ी मिलेगा। क्यों नहीं समझते? आम के पेड़ के ऊपर आम लगे होते हैं, जब वो ताजा आप लोग खाएंगे तो उसका स्वाद अलग हो, जब बासी हो जाएगा तो स्वाद अलग हो, सड़ जाएगा वो। क्यों नहीं समझते बात को? आज से ही आप लोग मोरिंगा का सेवन करना शुरू कर दीजिए। जिन भी, और इसके अलावा जिनको भी बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होते रहते हैं, क्योंकि इससे आपका पाचन अच्छा रहता है। बात को समझे, मोरिंगा की सब्जी खाने से आपका पाचन अच्छा रहता है। और मैं बहुत से वीडियो से बताया हूं, पाचन अच्छा होगा तो यूटीआई से जुड़ी समस्या नहीं होगी, कोई भी यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आप लोगों। जिन लोगों का पाचन खराब रहता है, गैस जब बहुत ज्यादा, मतलब उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है यूरिन प्रॉब्लम्स होने का। अब चाहे वो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो या पेशाब जुड़ी और कोई भी समस्या हो। इज दैट क्लियर टू यू? समझा गया आप लोगों को? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वीडियो का निष्कर्ष ये है कि आप लोगों को आज से और अभी से मोरिंगा का सेवन करना शुरू करना, लेकिन कैसे? पाउडर वगैरह बना के नहीं, ड्रिंक बना के नहीं, सिंपल उसकी सब्जी बना के प्रयोग करनी है। समझा गया बात? ताजे पत्ते लाने, ताजे पत्तों की सब्जी या ताजे पत्ते के परांठे बना के खा लो। मैं गांव का देसी बंदा हूं, जैसे मैं उनको करता मैं वैसे बता रहा हूं। भैया काढ़ा उसका वो उबाल के मैरिज करता, मुझे टेस्ट अच्छा लगता। मुझे मोरिंगा के पत्तों को ड्रिंक की तरह यूज करना अच्छा लगता, मुझे पसंद ही नहीं है। जब मुझे टेस्ट अच्छा लगता, सुबह के बाद आपको भी टेस्ट अच्छा नहीं लगने वाला, सिंपल सी बात है। तो पाउडर खाने में मुझे टेस्ट अच्छा लगता, सिंपल मैंने बताया। सब्जी बना के खाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है, स्वाद के साथ सेहत भी मिलेगी। वैसे आप लोग नहीं यूज कर पाएंगे, मानो मेरी बात को, एक दो बार कर, फिर आप नहीं कर, एक दो बार कर भी लेंगे फिर दोबारा नहीं करेंगे, भाई नहीं, आप नहीं, हमसे अच्छा टेस्ट अच्छा नहीं।
समझ जाओ बात को। गांव का बंदो भैया घर में लगाए हमने पेड़ है, लाखों करोड़ों पेड़ है हमारे गांव में, हम खाते हैं भैया, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को, हरे रंग की चटनी, हरे रंग की ये सब्जी बनती है, बिल्कुल हरा रंग, गाढ़ा हरा रंग, तो इसमें ये होता है, इसमें फलाना होता है, इसमें इसमें सल्फर तक पाया जाता है, सल्फर आपके ये सब पचड़ेबाजी भी मैं नहीं पढ़ने वरना बताऊंगा। सिंपल मैंने बताया, जिसको प्रोस्टेट है, पेशाब जुड़ी कोई समस्या, भैया आज से मोरिंगा के पत्तों की सब्जी बनाओ, घर में खाना चाहिए तो खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, इसके अलावा घुटने में दर्द, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन भी हैं, उनको भी बहुत जबरदस्त असर देखने को मिलता है, यकीन मानिए दोस्तों, ज्वाइंट पेन में असर दिखता है यार, और क्या चाहिए आप लोग। लेकिन जो मेन मेरा मोटिव वो था, आपको प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी समस्याओं में फायदा देखने को मिलेगा सिर्फ एक मोरिंगा के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से। तो आज के वीडियो में इतना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।